सीएम जयराम ठाकुर के आश्वासन के बाद निजी बस ऑपरेटर यूनियन ने प्रस्तावित हड़ताल वापस ले ली है। यूनियन ने मांगों पर विचार के लिए सरकार को 20 दिन का समय दिया था। हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष राजेश परमार राजू ने जानकारी देते हुए बताया कि आज निजी बस ऑपरेटरों का एक प्रतिनिधिमंडल सीएम जयराम ठाकुर से मिला। जयराम ठाकुर को मांगों व समस्याओं से अवगत करवाया। सीएम जयराम ठाकुर ने ऑपरेटरों को कहा है कि डीजल के दाम बढ़ने के कारण किराया बढ़ाने की जो मांग की जा रही है उस पर सरकार विचार कर रही है, हमें कुछ दिन का समय दो, जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर ने ऑपरेटर यूनियन से हड़ताल वापस लेने का आग्रह किया। इसके बाद बस ऑपरेटरों ने सर्वसहमति से हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को 20 दिन का समय दिया गया है, सरकार मांगों पर विचार करे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ऑपरेटरों की कठिनाइयों को समझते हुए सरकार उनके हित में फैसला लेगी। बता दें कि मांगे न माने जाने पर निजी बस ऑपरेटर यूनियन ने 21 जून को हड़ताल का ऐलान किया था। इस दिन निजी बसों के पहिए जाम होने थे, अब फिलहाल ये हड़ताल टल गई है।